हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का पार्ट 6 है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि लीफुजू और प्रिंस ली यही सोच रहे होते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई गार्डन में आग लगाने की। लीफुजू यहाँ पे कहती है कि सिर्फ मेरे होम टाउन में ही हम फिंगरप्रिंट की मदद से क्रिमिनल को आसानी से पकड़ सकते हैं। तभी उधर एक मेड आती है जो लानर के बारे में लीफुजू को बता देती है। इधर लानर चीफ शोई के हाथ का बना हुआ खाना खा रही होती है। तभी वो चीफ शोई और जुओ की बात सुन लेती है। वो दोनों रात को इस जगह से कहीं और जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लीफुजू आती है जो लानर की गाल में चाटे का निशान देखती है और उसे पूछती है ये किसने किया। चीफ शोई उसे बताता है कि ये सब रुआन क्विंग ने किया है। ये सुन के लीफुजू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड को चाटा मारने की, और अब वो रुआन क्विंग से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसे मारने के लिए वहाँ से लकड़ी जैसा कुछ उठा लेती है। चीफ शोई यहाँ पे आग में घी डालने का काम करता है। वो लीफुजू से कहता है कि जाओ किचन में चाकू रखा है तुम उसे ले लो। लीफुजू जाती है किचन में और वहाँ से रुआन क्विंग को मारने के लिए चाकू ले लेती है। लेकिन जैसे ही वो रुआन क्विंग के कमरे में जाती है वहाँ पे वो स्टेट प्रेसेप्टर को बैठा हुआ देख लेती है। तो वो रुआन क्विंग को कहती है कि प्लीज अगली बार से ऐसा मत करना, ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन स्टेट प्रेसेप्टर उसे रोक लेते हैं। लीफुजू उन्हें कहती है कि आप भी यहाँ पे बैठे हो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। स्टेट प्रेसेप्टर उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे रुआन क्विंग से मिलने आया था, पर तुमने ये चाकू हाथ में क्यों पकड़ रखा है। तो लीफुजू उन्हें कहती है कि मैं तो इससे एक्रोबैटिक्स करने वाली थी और रुआन क्विंग को दिखाना चाहती थी। स्टेट प्रेसेप्टर कहते हैं कि मैंने बहुत सालों से एक्रोबैटिक शो नहीं देखा। तो रुआन क्विंग उसे परफॉर्म करने को बोलती है, लेकिन लीफुजू बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। तो स्टेट प्रेसेप्टर उसे फिर से रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास यूनिक स्किल है तो तुम हमें वो क्यों नहीं दिखा रही हो। लीफुजू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसके पास रुआन क्विंग की मेड आती है और उसे चाकू छीनते हुए कहती है कि मैं भी हेवनली फेरी की यूनिक स्किल देखना चाहती हूँ। फिर वो लीफुजू की तरफ चाकू फेंकती है, लेकिन लीफुजू को तो कुछ भी नहीं आता था, तो वो उधर ही खड़ी रहती है। तभी उधर यूनी और गार्डहोंग आते हैं जो लीफुजू को बचा लेते हैं, और उन दोनों को इतना क्लोज प्रिंस ली देख लेता है जिसे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद रुआन क्विंग अपनी मेड की तरफ से यूनी से माफी मांगती है, लेकिन यूनी उसे गुस्से से देखने लग जाता है। जिसके बाद हम रुआन क्विंग और उसके फादर को साथ में देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि गार्डन में आग रुआन क्विंग के फादर ने ही लगवाई थी क्योंकि वो लीफुजू को सबक सिखाना चाहते थे। रुआन क्विंग अपने फादर से कहती है कि हेवनली फेरी एम्परर के बहुत ज्यादा क्लोज जा रही है, मुझे डर है कि बाद में उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो रुआन क्विंग के फादर उसे कहते हैं अगर तुम्हारी बहन होती तुम्हारे हिसाब से वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। तो रुआन क्विंग यहाँ पे ओपिनियन देने की वजह खुद को अपनी बहन से कंपेयर करने लग जाती है। तो उसके फादर उस पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे बस इतना कहा है अगर तुम्हारी बहन होती तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती, ना ही तुम्हें उसे जज करने को कहा है। जिसके बाद हम चीफ शोई को देखते हैं जो कि अपने टूटे हुए चाकू को लेकर गार्ड होंग पर गुस्सा कर रहा होता है। वो जुओ से कहता है जाओ जाके बोल दो गार्ड होंग को कि मैंने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया है, मैं भी तो देखूं कि कौन सबसे बेस्ट है, गार्ड या फिर शेफ। जुओ यहाँ पे दूसरे शेफ से कहता है कि जरूर इसका दिमाग खराब हो गया है जो एक चाकू के लिए गार्ड से लड़ाई करना चाहता है। जिसके बाद हम यूनी लीफुजू और प्रिंस ली को साथ में देखते हैं, जहाँ पे लीफुजू ने और प्रिंस ली ने यूनी को उस पत्थर के बारे में सब कुछ बता दिया था और लीफुजू ने उसे फिंगरप्रिंट के बारे में भी बता दिया था। वो लोग क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे वो सभी लोगों को फिंगरप्रिंट वाली बात पर यकीन दिलाएंगे। फिर कुछ देर बाद लीफुजू से मिलने के लिए स्टेट प्रेसेप्टर आते हैं जो लीफुजू से पूछते हैं कि तुम कितने देर तक यूनलाई राज्य में रहोगी। लीफुजू कहती है मुझे भी नहीं पता, मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा अपने वर्ल्ड में जाने का, और वैसे भी मेरा मेन टास्क है पानी के सोर्स को ढूंढ के उससे एक नहर बनाने का। जिसके बाद रुआन क्विंग के फादर लीफुजू को रहने के लिए एक मकान देते हैं जिसमें कि 5 रूम और 2 हॉल थे। ये देख के लीफुजू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में वो सोचती है कि ये बुढ़ा आदमी मुझे रहने के लिए घर दे रहा है और बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो इस बारे में स्टेट प्रेसेप्टर
से पूछती भी है, तो स्टेट परसेप्टर उसे इतना ही कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद मैं किसी को भेजूंगा, वो तुम्हें घर दिखाएगा। अगर तुम्हें घर पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें दूसरा घर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लीफूजू यहाँ पे सोचती है कि ये बुढ़ा इंसान इतना भी बुरा नहीं है जितना कॉमिक बुक में दिखाया गया है। स्टेट परसेप्टर का गार्ड उनसे पूछता है कि क्या सच में आप हेवनली फेरी को वो घर दोगे बिना किसी रीजन के। तो स्टेट परसेप्टर कहते हैं कि उसके लिए वो एक घर होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक कब्रिस्तान है। फिर रात को हम देखते हैं जहाँ लीफूजू सभी को फिंगरप्रिंट वाली बात पर यकीन दिला रही थी और सभी लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। वहीं पर रुआन क्विंग भी होती है जो कि ये सब सुन के वहाँ से जाने लगती है। तो लानर उसे रोक लेती है और अपना फिंगरप्रिंट देने को बोलती है। रुआन क्विंग की मेड उसे चाटा मारती है, लेकिन बीच में गार्ड होंग आ जाता है और रुआन क्विंग से कहता है, ये महाराज की तरफ से ऑर्डर है, आप अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पे दे के जाइए। तो रुआन क्विंग अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे दे के चली जाती है। इधर हम लानर को देखते हैं जो कि शेफ के कपड़े पहन के शेफ जुओ के पीछे पीछे जा रही होती है, लेकिन जुओ को डाउट होता है और वो वहाँ पे लानर को पहचान लेता है और उसके गले पे चाकू रखता है। इधर महल में हम देखते हैं जहाँ पे कोई आता है और उस फिंगरप्रिंट वाले कपड़े को अपने पास रख लेता है, लेकिन लीफूजू और बाकी सभी लोग वहाँ पे छुपे हुए थे। उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ही ये ट्रैप बिछाया था, लेकिन वो लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है।